हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएन हेल्थ केयर में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंजेक्शन मॉर्फिन के बारे में, इसके लाभ हानि और उपयोग के बारे में। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, मॉर्फिन एक दर्द निवारक दवा है जो कि सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करता है। यह तीव्र और पुराने दोनों दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है। दोस्तों, मॉर्फिन का दूसरा नाम क्या है या किस नाम से इसको भी जाना जाता है? मॉर्फिन मस्तिष्क में दर्द रिसेप्टर को बाधित करता है जिससे दर्द का एहसास कम हो जाता है। मॉर्फिन ओपियोइड नामक दवाओं की श्रेणी से संबंध रखता है तथा एनाल्जेसिक श्रेणी में आता है। मॉर्फिन डॉक्टर के पर्चे द्वारा मिलने वाली इस दवा का उपयोग विशेष रूप से दर्द का इलाज करने के लिए किया जाता है। बात करें इसके लाभ की, तो दर्द के निवारण के लिए ही खास तौर पे इसका उपयोग किया जाता है। अन्य उपयोग में यहाँ पर सर्जरी के दर्द से राहत पाने के लिए या फिर किसी सीवियर पेन को रिड्यूस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इन बीमारियों से ग्रस्त हो तो मॉर्फिन न लें या फिर सावधानी बरतें। जो कुछ प्रकार की बीमारियाँ हैं इनमें है दमा, COPD, जठरांत्राव में रक्तस्राव, एंट्रियल फाइब्रिलेशन, हृदय रोग, लीवर रोग, गुर्दे की बीमारी। अगर आपको इनमें से कोई भी रोग है तो आप मॉर्फिन को न लें, क्योंकि इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। अगर आपके डॉक्टर उचित समझे तो आप इन रोगों से ग्रसित होने के बावजूद भी इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। अपने अनुसार कोई भी दवा नहीं लें, अच्छा रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से परामर्श कराने के बाद ही यह दवा का उपयोग करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल एसएन हेल्थ केयर। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।